नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके सामने लाई हूँ एक निटिंग टेक्निक पे वीडियो। तो ये जो है वो आप देख रहे हैं कि दो मैंने बुनकर दो पीसीज रखे हुए हैं बुनाई के, और उसमें मैंने जो मेरे फंदे हैं वो अभी तक सिलाइयों पे ही हैं, इनको मैंने कास्ट ऑफ नहीं किया है। तो ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जहाँ पे हमने कुछ ऐसे जोड़ने होते हैं ये दो पीसेज आपस में, तो इस तरह जोड़े हम कि उसमें हमें ऐसे लगे कि ये बुनाई ही हुआ है, एक ही पार्ट है इसका। इसमें कोई मतलब ऐसा ना लगे कि जैसे हमने सिलाई से, जैसे कंधे मैंने आपको बताया था तीन सिलाइयों से हमने जोड़े थे, उसका वीडियो भी मैंने डाला है। तो या हम मैं कंधे कंधों का एग्जाम्पल इसलिए ले रही हूँ स्वेटर का, तो उसका मैंने रिसेंटली आपको बताया भी था। तो उसमें मैंने आपको बोला था हम दो तरह से जोड़ सकते हैं, कास्ट ऑफ किए कंधों के फंदे दोनों फ्रंट और बैक के, और उनको सुई से सिल दिया, या फिर इस तरह फंदे रखे तीसरी सिलाई से दो दो को इकट्ठा बुनते गए और कास्ट ऑफ करते गए। तो उस तरह से हम कंधे जोड़ सकते हैं। आज जो मैं बता रही हूँ ये डिफरेंट मेथड है, इसमें जब हम सुई से ही इनको सिलेंगे तो इस तरह ये उसमें जो जैसे सुई से सिलते हैं या कास्ट वो कास्ट ऑफ करके हम दो दो को इकट्ठा बुन के कास्ट ऑफ करते हैं, तो उसमें थोड़ा हमें दिखता है कि वहाँ पे हमने एक जॉइंट सा हमारा आया हुआ है। जब इस तरह से हम किसी चीज़ को दो पीसेस को आपस में जोड़ते हैं तो इसमें ये बिल्कुल ऐसे इसकी वीविंग इस तरह होती है कि ये ऐसे लगता है जैसे बुना ही हुआ है बीच में। तो ये किस प्रकार इनको जोड़ेंगे वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो इसका जो है वो हम यूज़ कहाँ करेंगे, एक तो स्वेटर के कंधे जोड़ सकते हैं, आप सॉक्स बुनते हैं तो उसका जो पंजा होता है उसको आपस में इस तरह हम उसको सिल सकते हैं, या किसी किसी प्रोजेक्ट्स में, मैं आपको आगे बताऊंगी अपने आने वाले प्रोजेक्ट में, उसमें मेरे को ज़रूरत पड़ी थी तो उसमें मैंने पौंचे को था उसको किस तरह मैंने मेन उससे जोड़ा था, तो वो मैं आपको भी एग्जाम्पल भी साथ में दूंगी। पहले मैं आपको टेक्निक बता देती हूँ। तो इसमें तो देखिए दो बातें होती हैं, दो तीन बातें ध्यान में रखनी होती हैं कि एक तो जितने फंदे एक पार्ट में हैं उतने ही फंदे दूसरे पार्ट में होने चाहिए। दूसरी बात क्या कि एक का हम जो फिनिश है एक को ख़त्म हम सीधी सिलाई में करें और दूसरे पीस को हम उल्टी सिलाई पे ख़त्म करें। जैसे इस वाले पीस को मैंने सीधी सिलाई में ख़त्म किया है और अगली सिलाई उल्टी आनी थी, तो इस तरह से, और इसको मैंने उल्टी सिलाई पे ख़त्म किया है और अगली सिलाई हमारी सीधी आनी थी। तो ये दो तीन चीज़ों का हमने ध्यान रखना होता है जब इनको हमने जोड़ना होता है फिर इस तरह से। और अब हमें इसमें जो धागा हमें चाहिए होगा सिलाई करने के लिए उसकी लेंथ किस तरह, हम थोड़ा सा रफ सा आइडिया ले लेंगे उसको क्या करेंगे। तो मैं ये आपको जो सिल्क है कंट्रास्ट कलर में दिखाऊंगी ताकि आपको वो क्लियर दिख जाए। तो यहाँ पे मैं कंट्रास्ट कलर से सिलूंगी, वैसे अगर आप चाहें तो सेम कलर से भी सिल सकते हैं। तो जैसे मैं इस कंट्रास्ट कलर का यूज़ करूंगी तो मैं धागा कैसे नापूंगी, एक रफ सा आइडिया हो जाता है। जैसे इस तरह रखा, जितनी विड्थ इसकी है पीस की इस टुकड़े की, तो उसको एक एक बार दो और ये तीन बार इतना हमने धागा लेना है। थोड़ा मैं एक्स्ट्रा ले लूंगी कि कम ज़्यादा हो गया या कुछ ज़रूरत पड़ी, क्योंकि जब हम एक बार सिलना शुरू कर देंगे फिर हम गांठ नहीं डाल सकते हैं इसमें धागे की। तो थोड़ा मैं एक्स्ट्रा आप समझ लीजिए कि मैंने चार गुना ये ले लिया है, वैसे तीन गुना ले ले लीजिए, पर मैं यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा ले रही हूँ। एक्स्ट्रा को कोई नुकसान नहीं होगा और कम हो जाए तो फिर, तो इसको हमने अब सुई में पिरो लिया है धागे को। तो अब हमने क्या करना है कि इन सिलाइयों को इस तरह पकड़ना है कि दोनों का उल्टी साइड जो है वो आपस में मिला के एक दूसरे के पैरेलल जो है वो इन सिलाइयों को हम पकड़ दे लेंगे। और मैं यहाँ पे थोड़ी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे नॉट लगा दूंगी इन दोनों धागों में आपस में, ताकि फिर ये फंदे जो हैं वो लूज ना हों। तो यहाँ पे मैं ये नॉट लगा देती हूँ। यहाँ पे और इन धागों को मैं काट दूंगी। वैसे तो आपने जब सिलना है तो आपको तो सेम धागा चाहिए, तो आप चाहे फ्रंट का धागा ले लीजिए और नाप इसी तरह से लेंगे और
चाहे फ्रंट का ले लीजिए धागा चाहे बैक का, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी धागा आप ले सकते हैं। तो मैं ये दोनों धागे मैंने यहाँ पे ये काट दिए। मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कंट्रास्ट कलर से, ताकि आपको ये देखने में सीखने में क्लियर रहे। तो अब हम इन सिलाइयों को इस तरह पकड़ लेंगे। तो चलिए अब सिलना स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने कंट्रास्ट कलर का धागा ले लिया है। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम आगे वाली सिलाई के पहले फंदे में सुई इस तरह डालेंगे, जैसे हम फंदा उल्टा बुनते हैं इस तरह से। तो ये देखिए, ये इस तरह डाल दिया। फंदा जो है वो हम सिलाई पे के ऊपर ही रखेंगे, इस तरह डाल दिया। फिर बैक वाली सिलाई के फंदे में जाएंगे, यहाँ पे सुई हम इस तरह डालेंगे जैसे हम फंदा सीधा बुनते हैं इस तरह से। तो ये फंदा भी अभी सिलाई के ऊपर ही रखा जाएगा। फिर फ्रंट वाली में आएंगे, फिर इस वाले आगे वाले फंदे में फिर से सुई डालेंगे, पर अब इस तरह डालेंगे जैसे सीधा बुनते हैं, और सुई को हम फंदे को हम सिलाई के ऊपर से निकाल देंगे इस तरह से, और इस तरह सुई डाल देंगे। फिर फ्रंट वाली सिलाई के अगले फंदे में हम सुई इस तरह डालेंगे जैसे हम फंदा उल्टा बुनते हैं इस तरह से, इस तरह से। फिर चलते हैं बैक वाली सिलाई में, तो इस वाले फंदे पे जाएंगे, तो यहाँ पे हम सुई इस तरह डालेंगे जैसे उल्टा बुनते हैं, और इस वाले फंदे को हम उतार देंगे सिलाई से। फिर बैक वाली सिलाई के अगले फंदे पे जाएंगे, सुई इस तरह डालेंगे जैसे सीधा बुनते हैं, और फंदा जो है वो सिलाई के ऊपर ही रखा जाएगा इस तरह से। फिर आते हैं फ्रंट वाली पे, तो फ्रंट वाली सिलाई के इस फंदे में सुई डालेंगे जैसे सीधा बुनते हैं, और फंदा जो है वो हम सिलाई से नीचे उतार देंगे। फिर से फ्रंट वाली सिलाई के अगले फंदे पे जाएंगे, और सुई इस तरह डालेंगे जैसे हम उल्टा फंदा बुनते हैं, पर फंदा जो है वो सिलाई के ऊपर ही रहेगा। फिर बैक वाली सिलाई पे जाएंगे, इस वाले फंदे पे सुई इस तरह डालेंगे कि जैसे उल्टा बुनते हैं, पर फंदा जो है वो हम उतार देंगे सिलाई के ऊपर से। और अगले फंदे में बैक वाली सिलाई के फंदे में सुई इस तरह डालेंगे जैसे हम सीधा बुन रहे हैं। तो इसमें ये सारा जो है ये धागा पिरोने का है ये, तो ये हमने ऐसे डाला जैसे सीधा बुनते हैं। फिर फ्रंट वाली में आए, तो इस वाले अगले फंदे में सुई इस तरह डालेंगे जैसे सीधा बुनते हैं, और फंदा जो है वो हम सिलाई से उतार देंगे। तो इसमें हम सीधा बुनते हुए जो सीधा बुना हुआ बुनते हुए सुई जब डालते हैं, तो वो वाला फंदा हम उतार देते हैं। इसमें उल्टा बुनते हुए सुई से उल्टा बुनते हुए फंदे को उतारते हैं। तो ये सीधा बुनते हुए फंदे को उतार दिया, अगले फंदे में मैंने सुई को फिर से उल्टा बुनते हुए पिरो दिया। अब इसमें बैक वाली सिलाई में हमने उल्टा बुनते हुए फंदे को भी उतार देना है इस तरह से, और अगले फंदे में हमने सुई को सीधा बुनते हुए पिरोना है, पर फंदा जो है वो नहीं उतारना है। फिर चलते हैं फ्रंट वाली में, तो सीधा बुनते हुए हमने फंदा भी उतार देना है। और अगले फंदे में फ्रंट वाली में हमने उल्टा बुनते हुए सुई को पिरोना है, फंदा नहीं उतारा जाएगा। फिर बैक वाली में उल्टा बुनते हुए हमने सुई को पिरोना है, और फंदा वो वाला उतार देना है। और बैक वाली सिलाई के अगले फंदे में सुई को इस तरह डालेंगे जैसे हम सीधा बुनते हैं फंदे को इस तरह से, पर फंदा नहीं उतारेंगे। फिर फ्रंट पे आएंगे, तो फ्रंट वाले सिलाई के जो फंदा है इसमें सुई डालेंगे सीधा बुनते हुए, और फंदा जो है वो उतार देंगे सिलाई के ऊपर से। और यहाँ पे फिर अगले फंदे में हम सुई जो है वो उल्टा बुनते हुए ऐसे पिरो देंगे, फंदा नहीं उतारेंगे। फिर बैक वाली सिलाई में उल्टा बुनते हुए सुई को पिरोएंगे, और वो वाला फंदा हम उतार देंगे।
फिर उसी सिलाई के अगले फंदे में सीधा बुनते हुए सुई को पिरोएंगे, पर फंदा जो है वो उतारेंगे नहीं। फिर फ्रंट पे आएंगे, तो इसमें आगे वाले फंदे में हमने सुई को पिरोना है सीधा बुनते हुए और फंदा भी उतार देना है। फिर इसी सिलाई के आगे वाले फंदे में नेक्स्ट जो फंदा है उसमें हमने उल्टा बुनते हुए सुई को पिरोना है और फंदा नहीं उतारना है, इस तरह से। फिर बैक में जाएंगे, उल्टा बुनते हुए सुई को पिरोएंगे और फंदा भी हम उतार देंगे। फिर उसी सिलाई के अगले फंदे में हमने सुई को सीधा बुनते हुए पिरो देना है, इस तरह से। फिर फ्रंट की सिलाई आएगी, फ्रंट का फंदा आएगा, इसमें हमने सीधा बुनते हुए फंदे को पिरो धागे को पिरोना भी है सुई को और फंदा भी उतार देना है। फिर इससे अगले फंदे में हमने सुई को उल्टा बुनते हुए पिरोना है पर फंदा नहीं उतारना है। तो पूरी सिलाई में हम इस तरह रिपीट करते जाएंगे। तो आप ध्यान से देखिए, तो ये देखिए इस तरह ये लग रहा है जैसे हमने ये बुना हुआ है। तो जब आपको सामने मैं पूरा बना के रखूंगी फिर आपको और भी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो मैं ये आगे बनाती जाती हूँ, फिर आपको मैं दिखाती हूँ। ये तो यहाँ पे हमने उल्टा पिरो दिया, इसको उल्टा पिरो कर फंदा उतार दिया, यहाँ पे सीधा बुनते हुए पिरो दिया, यहाँ पे सीधा बुनते हुए धागा फंदा उतार दिया, तो देखिए अब हम यहाँ पहुंच गए हैं लास्ट में। तो यहाँ पे हमने ये उल्टा डाला और इसको उल्टा बुनते हुए उतार दिया, फिर इसको सीधे बुनते हुए धागा पिरोया और फंदा नहीं उतारा। अगली सिलाई के फंदे को सीधा बुनते हुए हमने उतार दिया और यहाँ पे हमने उल्टा पिरो दिया। फिर बैक वाली सिलाई में उल्टा बुनते हुए हमने उल्टा बुनते हुए हमने फंदा उतार दिया था, अब सीधा बुनते हुए धागा हमने पिरो दिया। फिर फ्रंट में आए तो ये हमने सीधा बुनते हुए फंदा जो है वो उतार दिया और लास्ट में हमने उल्टा पिरो दिया धागा। इस वाले में हमने इस वाले फंदे को उल्टा बुनते हुए उतार दिया और लास्ट वाले फंदे को हमने सीधा पिरो दिया। फिर हमने लास्ट वाले इस आगे वाली सिलाई के लास्ट फंदे को सीधा बुनते हुए उतार दिया और इसको उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर दिया। तो ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए इस तरह ये जुड़ेगा। तो थोड़ी ये जिस धागे से मैंने ये जोड़ा है थोड़ी वूल ये पतली है, पर फिर भी आपको ये क्लियरली दिख रहा होगा कि कहीं भी आपको ये देखिए इस तरह से हमने जैसे बुनते हैं वैसे ही बैक से भी आपको दिख रहा होगा
कि उसी तरह से आया है, बिल्कुल फ्लैट, कोई सिलाई नहीं, सिलाई की तरह मोटा नहीं है, बिल्कुल ऐसे जैसे वीव करते हैं वैसे हमने किया है। और ये देखिए इसकी लुक भी बिल्कुल ऐसे बुनाई की तरह ये आता है इस तरह से, ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से ये हमने जो हमारे दो पीस थे, दो टुकड़े थे बुने हुए, उनको हमने उनके फंदों को आपस में धागा पिरो के हमने इस तरह से सिल दिया। अगर हम इसी कलर से इस तरह इसको जोड़ते तो बिल्कुल भी आपको पता नहीं चलता, क्योंकि इसमें ये मैंने कंट्रास्ट कलर यूज़ किया है, तो आपको ये दिख रहा है कि इसमें यहाँ पे हमने इसको जोड़ा है आपस में। इसमें बस यही ध्यान रखना होता है कि एक धागा, फंदे जो हैं वो बराबर होने चाहिए, और एक साइड जो है वो सीधी सिलाई पे ख़त्म हो तो दूसरी उल्टी सिलाई पे ख़त्म होनी चाहिए, और फंदे जो हैं वो आपस में मुड़े नहीं होने चाहिए, फंदे जो है बिल्कुल सीधे रहने चाहिए जैसे बुनाई में होते हैं। फिर इस तरह से जोड़ेंगे तो ये जुड़ते सीधे बिल्कुल आपको दिखेंगे, इस तरह से ये जुड़ेगा। तो ये हमारा, मैंने ये जोड़ के रखा है। अब देखिए आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ कि मैंने ये कुछ बना रही हूँ मैं, तो इसमें मैंने ये ऊपर से बुनती आई हूँ, इसमें मैंने ये वाला बॉर्डर लगाना था, क्योंकि मैं ऊपर से बुनती आई हूँ, अगर इस बॉर्डर को मैं रिवर्स करके बुनती तो ये ठीक नहीं आता। तो ये बॉर्डर जो है वो नीचे से ही बुना, कोई कई पैटर्न ऐसे होते हैं जो अगर ऊपर से भी बुनो तो सेम आते हैं जैसे नीचे से हमारे आते हैं, पर कुछ पैटर्न हमारे ऐसे होते हैं जिसको हम नीचे से ही बुन सकते हैं, ऊपर से बुनते हुए नहीं हम ला सकते। क्योंकि मुझे ये वाला पैटर्न डालना था, इसका फ्रिल बनानी थी इसमें, तो अब इन दोनों को आपस में मैंने जोड़ना है, ये देखिए। और मैंने इसमें सेम धागे से जोड़ना है, इसमें मैं कंट्रास्ट कलर यूज नहीं करूंगी। तो इसमें एक साइड, एक तो देखिए सारे रूल मैं फॉलो कर रही हूँ कि इसमें भी जितने फंदे हैं उतने ही फंदे मेरे इस वाले पार्ट में हैं, और एक पार्ट को मैंने उल्टी सिलाई पे खत्म, सीधी सिलाई पे खत्म किया, इस वाले को मैंने सीधी सिलाई पे खत्म किया है, इस वाले को मैंने उल्टी सिलाई पे खत्म किया है। तो और हमारे फंदे भी जो हैं वो बराबर हैं, तो हम जब सिलाइयों को इस तरह रखेंगे तो ये बिल्कुल सही आएगा। अब इसमें हमने धागा नापना है, तो धागा नापने के लिए वही रूल फॉलो करेंगे कि हम जितनी हमारी ये चौड़ाई है उसका 3 गुना और थोड़ा सा उससे हम ज्यादा ले लेंगे, ताकि अगर थोड़ा बहुत फर्क हो तो फिर हमें प्रॉब्लम ना आए। तो ये 2 गुना हो गया, ये देखिए ये 2 गुना हो गया, अब ये 3 गुना, तो 3 का मैं 3.5 या 4 गुना ही ले लेती हूँ, ताकि थोड़ा एक्स्ट्रा बच जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर कम नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से मैं अब थोड़ा सा इसमें भी आपको स्टार्ट करके बताऊंगी और थोड़ा सा सिल के दिखाऊंगी, फिर आपको दोनों की पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो ये देखिए ये मैंने ये पार्ट पकड़ लिया, पहले हम धागे को सुई में डाल देते हैं। तो इसमें मैं एक साइड का जो धागा है वो ले लेती हूँ, क्योंकि ये मैं कंट्रास्ट कलर से नहीं जोड़ रही हूँ, सेम कलर से मुझे जोड़ना है, तो मैं इसी धागे को सुई में पिरो दूंगी। तो ये देखिए मैंने धागा जो है वो पिरो दिया सुई में। अब आप ये देखेंगे और इस वाले धागे को मैं यहां पे काट देती हूँ। अब मैंने इन दोनों को इस तरह से पकड़ लिया है, ये देखिए इस तरह से पकड़ लिया दोनों को एक दूसरे के पैरेलल, तो जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ही हम स्टार्ट करेंगे। तो ये आगे वाली सिलाई है, ये हमारी पीछे वाली सिलाई है। अब ये वाली देखिए सुई है, तो आगे वाली सिलाई के पहले फंदे में मैंने इस तरह डाला जैसे उल्टा बुन रहे हैं। ये थोड़ा सा आपको मैं सेम कलर में कैसे आएगा सिल्क के वो दिखा रही हूँ, ऐसे डाल दिया।
उससे अगले फंदे में हमने उससे अगले नहीं सॉरी उससे बैक वाली सिलाई के पहले फंदे में इस तरह डालना है जैसे हम सीधा बुनते हुए पिरोएंगे धागे को, और फंदे हमने नहीं उतारने हैं इस तरह से। फिर आगे वाली सिलाई में आए, फिर आगे वाले फंदे को हमने, अब हमने फंदे उतारते जाना है, सीधा बुनते हुए उतारा, सीधा पिरोते हुए ये उतार दिया, और आगे वाली सिलाई के आगे वाले फंदे को ही हमने सुई को उसमें उल्टा बुनते हुए धागा पिरो देना है। बस ये ध्यान रखना है कि कोई भी हमारा जो स्टेप है वो मिस नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी स्टेप मिस हो जाएगा तो फिर आपका जो है वो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। फिर बैक वाली सिलाई के पहले फंदे को उल्टा पिरोते हुए हमने फंदा उतार देना है। फिर बैक वाली सिलाई के अगले फंदे में हमने सुई को सीधा बुनते हुए धागा पिरो दिया यहाँ पे, और आगे वाली सिलाई के फंदे को हमने सीधा बुनते हुए सुई पिरोनी है और फंदा उतार देना है। फिर आगे वाली सिलाई के अगले फंदे में हमने उल्टा बुनते हुए सुई को पिरो दिया। फिर बैक वाली सिलाई में चले गए तो यहाँ पे हमने उल्टा बुनते हुए फंदा जो है उतार भी देना है और उल्टा बुनते हुए धागे को उसमें पिरो देना है। फिर उससे बैक वाली सिलाई के अगले फंदे में हमने सुई को सीधा बुनते हुए पिरो दिया, फंदा जो है वो सिलाई पे रहेगा। तो इस तरह मैं ये पूरा सिल के फिर आपको ये सेम कलर में भी इसकी लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितना एकदम बढ़िया से जुड़ गया है ये, और लगता भी नहीं है कि ये मैंने ये पोर्शन अलग बनाया था और ये बाकी का पोर्शन अलग बनाया था, और इसके साथ इसको मैंने इस तरह से जोड़ दिया, और यहाँ पे मैंने सेम कलर से जोड़ा है। तो देखिए किस तरह की इसकी लुक है, और यहाँ पे आपको दिखाने के लिए मैंने ये कंट्रास्ट कलर से जोड़ा था। तो थोड़ा सा ये देखिए ये है, तो यहाँ पे थोड़ा वूल का डिफरेंस हो जाता है क्योंकि थोड़ी वूल जो थी जो कंट्रास्ट कलर की मैंने लगाई थी ये पतली है, और ये जो जिससे मैंने ये बुने हैं पीसीज ये थोड़े मोटे हैं, तो थोड़ा सा ये इतना शायद प्रोमिनेंट नहीं है। अगर इसको इस तरह से हम देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और इसमें तो ये सेम वूल थी, सेम कलर से मैंने इसको जोड़ा है, और बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि कहाँ से, देखिए ना उल्टी साइड से पता चलता है और ना सीधी साइड से। तो ये छोटा सी टेक्निक थी कि जिसके थ्रू हम कई अपने काम कर सकते हैं। जैसे मुझे ये वाला फ्रिल बुननी थी, यहाँ पे नीचे लगानी थी क्योंकि ये ऊपर से बुनते आए हैं, और इस फ्रिल को हम नीचे से बुनते हैं ऊपर से, ये उल्टा नहीं रिवर्स नहीं बुन सकते, तो इसलिए फिर मैंने ये इस प्रोजेक्ट में इस तरह से इसको जोड़ दिया ये। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टेक्निक जो है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। आप स्वेटर के कंधे भी जोड़ सकते हैं इस तरह से, सॉक्स की जो पंजा होता है उसको भी जोड़ सकते हैं, और जिस तरह मैंने यहाँ पे इसका यूज किया है तो इस तरह से भी आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इसको इस तरह यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली वीडियो में कुछ और लेकर, तब तक के लिए बाय, हैप्पी क्राफ्टिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।